आज हम लोग इस चैप्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और आई थिंक आपको इससे पहले के जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे वो सब आपको समझ में आ गया होगा। हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो गांधी जी ने दिया और उसके बाद उस मूवमेंट को किस तरह से ड्रॉप कर दिया गया और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लेकर आया गया कि कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। तो उसमें वो इंसिडेंस, वो मूवमेंट किस इंसिडेंस से जाके ख़त्म हुआ था, वो ख़त्म हुआ था, वो कॉल ऑफ हुआ था चौरी चौरा कांड से। और चौरी चौरा कांड कौन सा था, जब गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। इस वॉयलेंस के बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट था उसको ड्रॉप कर दिया था, उसे कॉल ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया कि नेक्स्ट मास मूवमेंट यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इन दोनों ही मूवमेंट्स के बीच में लगभग 8 ईयर्स का टाइम पीरियड था। उन 8 ईयर्स में क्या हुआ, क्या किया गांधी जी ने, उस 8 ईयर्स में गांधी जी ने लोगों को ट्रेनिंग करने का, लोगों को और नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने का काम किया और इसी टाइम पीरियड में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया था पूरे वर्ल्ड में ही, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे। उसी टाइम पीरियड में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में आया किस लिए था, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने आया था, लेकिन उसे डिफ्यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और यहाँ के लीडर्स ने कहा कि जब इसमें कोई इंडियन लीडर नहीं है या इंडियन मेंबर नहीं है तो वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हैं। इसलिए गो साइमन गो करके एक नारा दिया गया, एक स्पीच दी गई। उसके बाद फिर ये मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डांडी मार्च यानी कि सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था, जहाँ से सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, बिगनिंग हुई। तो उसके बारे में आपको याद ही होगा सारा कि मैंने क्या बताया था कि गांधी जी 78 वॉलंटियर्स के साथ लगभग 240 मील तक गए, कहाँ से, अपने आश्रम साबरमती से लेकर कहाँ पर दांडी तक गए थे जो कि गुजरात में है। और ये 24 डेज में ये उन्होंने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया था और जहाँ जहाँ पर भी वो जाते थे, रुकते थे, वहाँ के लोगों को नेशनलिज्म के लिए और इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनक्रेज करते रहते थे। तो इस तरह से इन्होंने ये किया और फिर दांडी में जाकर उन्होंने 6 अप्रैल को इसको सिविल डिसोबीडियंस यानी कि डिसोबे करने का काम स्टार्ट किया, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। अब आज पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस है क्या। पीपल वर नाउ आस्क्ड टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन एज वेल एज ब्रेक कॉलोनियल रूल। मतलब जैसे नॉन कोऑपरेशन में कहा था कि कॉपरेट नहीं करेंगे, वैसे ही इसमें भी वही था कि कॉपरेट नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम रूल्स को तोड़ेंगे, डिसोबे करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, इसकी स्टार्टिंग हुई सॉल्ट लॉ से। जगह जगह सॉल्ट बनाए गए और उन पर जो टैक्स दिया जाता था वो नहीं दिया गया। इसके अलावा फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट किया गया और लिकर शॉप्स, जो भी लिकर शॉप्स थी चाहे वो फॉरेनर्स की हों चाहे इंडियंस की, सभी को क्लोज करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। उसके अलावा पीजेंट्स ने भी रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया कि मतलब हम डिसोबे कर रहे हैं, इसका मतलब हम रिवेन्यू भी नहीं पे करेंगे। इसके अलावा चौकीदार दरी टैक्स और फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा गया। फॉरेस्ट लॉ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ लगाया था कि कोई भी व्यक्ति फॉरेस्ट से कोई भी सामान नहीं ले सकता, कि फ्रीली फॉरेस्ट का कोई भी सामान उनके लिए फ्री है, जैसे कि वुड है या हनी है या कुछ भी, तो इस लॉ को भी उन्होंने तोड़ा, जाकर फॉरेस्ट से वो सामान लेकर आए। तो इस तरह से ये हुआ। इसके रिएक्शन में क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस तरह से मूवमेंट किया जाएगा तो ब्रिटिशर्स चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया अरेस्टिंग स्टार्ट की, लीडर्स को अरेस्ट किया और लोगों को भी अरेस्ट करना स्टार्ट किया। इससे प्रोटेस्टर्स में क्या आ गया, प्रोटेस्टर्स में उन्होंने वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, जो कि महात्मा गांधी के हिसाब से गलत था कि महात्मा गांधी ने इस चीज़ को
नहीं कभी भी सपोर्ट किया कि वॉयलेंस किया जाए, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा आया कि वो हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम वॉयलेंस करेंगे। और इसके जवाब में गांधी जी ने भी अपने आप को अरेस्ट करवा दिया था, और ब्रिटिशर्स ने भी उसके जवाब में मारपीट की, लाठीचार्ज किया, बहुत से लोग मारे गए। इस तरह से वॉयलेंस क्रिएट हो गया इस मूवमेंट में, जिसकी वजह से एक अनइवननेस आ गई थी। अनइवननेस की वजह से गांधी जी ने इसको ड्रॉप करने की सोची, और ड्रॉप ये कैसे हुआ, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। ये पैक्ट जो था गांधी जी बिटवीन एंड लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ये पैक्ट से में कुछ रूल्स थे, कुछ ट्रीटीज़ की गई थी कि जैसे गांधी जी ने कहा कि पहले इरविन ने कहा कि आप इस मूवमेंट को ड्रॉप कर दीजिए, कॉल ऑफ कर दीजिए, और गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम कॉल ऑफ कर देंगे, लेकिन आप हमारे प्रिजनर्स को, हमारे लीडर्स को छोड़ दीजिए। तो एक तो ये था, दूसरी शर्त इरविन ने रखी, ठीक है आपको पार्टिसिपेशन चाहिए गवर्नमेंट में तो आप ठीक है आप लंदन चले जाओ, वहाँ पे जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करो और अपनी बातें रखो। तो इस तरह से गांधी जी ने यही किया, ठीक है हम लंदन चले जाएंगे, वो चले गए, लेकिन वहाँ जाके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी बात वहाँ पर नहीं सुनी गई, नहीं रखी गई, और उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, चूँकि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो थे वो अगेन एंड अगेन प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, तो उन्होंने उसी प्रोटेस्ट को जारी रखा, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी लीडर्स को और लोगों को भी अरेस्ट कर लिया था। तो जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने देखा ना केवल खान अब्दुल गफ्फार खान बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी अरेस्ट हो गए हैं, और तब उन्होंने फिर से इस चीज़ को कहा कि नहीं हमने तो पैक्ट साइन किया था और इस चीज़ को ड्रॉप कर देना चाहिए, ये मूवमेंट वापस नहीं चलेगा, या उस चीज़ को वापस भी इस क्रिएट करने की कोशिश की तो लोग इतने अच्छे से उसमें जुड़ नहीं पाए, क्योंकि कभी उन्होंने कहा कि आपने पैक्ट साइन किया तो आपने कॉल ऑफ कर दिया और फिर आप कह रहे हो फिर स्टार्ट करना है। तो इस तरह से लोगों के मन में अनइवननेस आ गई थी, और इसके प्रति जो इस मूवमेंट के प्रति जो लोगों का ट्रस्ट था वो लैक हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से आप देखा हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब ये हम देखेंगे कि किस तरह से पार्टिसिपेट किया लोगों ने, इस मूवमेंट को किस तरह से लिया, हु हाउ एंड वाई, मीनिंग ऑफ स्वराज, मतलब किसके लिए, कैसी और क्यों स्वराज की मीनिंग थी, ये हम देखेंगे। जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, उसने सभी जगह एक बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वैसे ही इसमें भी कंट्री साइड और टाउन एरियाज़ में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन दोनों की जगह ऐसी कंडीशंस थी कि कांग्रेस जो थी उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, किस किस का साथ दें, किसका नाश दें। जैसे कि कंट्री साइड में अगर रिच पीजेंट्स ने किया तो पुअर पीजेंट्स ने भी किया, इसी तरह से अगर टाउन एरियाज़ में देखें तो टाउन एरियाज़ में मर्चेंट्स ने भी किया और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी किया। तो इस तरह से कांग्रेस का ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टाइम पीरियड हो गया कि वो किसको सपोर्ट करे, क्यों, क्योंकि इन लोगों में दोनों में ही अगेंस्ट बातें थी। जैसे कि अब हम कंट्री साइड की बात कर लें कि कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स क्या थे, रिच पीजेंट्स दे वर नॉट इन द पोजीशन टू पे रेवेन्यू, उनकी पोजीशन रेवेन्यू देने की नहीं थी, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था, क्रॉप्स फेलियर हो रही थी, तो वो इतना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो रेवेन्यू ना दें, तो क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू, तो उन्होंने रेवेन्यू को रिड्यूस करने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जिसकी वजह से ये जो रिच पीजेंट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस मूवमेंट का सहारा लें, और इस मूवमेंट को करने से अगर ब्रिटिशर्स ही चले जाते हैं, वही चले जाएंगे, तो रेवेन्यू वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग इस तरह से इस मूवमेंट से जुड़े, जबकि जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उनको चूँकि पे करना पड़ता था रिच पीजेंट्स को, तो एक तो लड़ाई उनकी उनके प्रति थी, मतलब रिच पीजेंट्स के लिए थी, लोअर रेवेन्यू डिमांडेड इनकी भी जो डिमांड, एक चीज़ तो मैच कर रही थी कि रेवेन्यू डिमांड जो थी उसको ये लोग कह रहे थे कि कम कर दिया जाए। फिर टेनेंट्स वांटेड लैंड रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिड्यूस और रिमिट्स, मतलब ये चाह रहे थे कि जो टेनेंट्स हैं, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है, लैंड नहीं होती है, तो वो जमींदारों की ज़मीन पर काम करते हैं जिसके लिए उनको रेंट देना पड़ता है, तो उस रेंट को कम कर दिया जाए या रिफ्यूज़ कर दिया जाए। लेकिन ये इसके लिए भी नहीं कोई मान रहा था, क्यों, क्योंकि ये रिच पीजेंट्स के ख़िलाफ़ थी,
और इसमें ये हुआ कि ये जो पुअर पीजेंट्स थे ये कुछ रेडिकल मूवमेंट्स करने लगे कि मतलब लड़ाई झगड़ा वॉयलेंस होने लगा। तो कांग्रेस ने भी इसको अनविलिंग किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेंट ही ना दो। और उन्होंने इनके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट की बात थी कि अगर ये पुअर पीजेंट्स का साथ देते हैं तो रिच पीजेंट्स उन पर अगेंस्ट हो जाएंगे या उनका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम आ गई कि वो अब क्या करें कि रिच पीजेंट्स का साथ दें या पुअर पीजेंट्स का। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आपसी प्रॉब्लम भी रही। आगे हम देखेंगे कि टाउन एरियाज़ में क्या हुआ, ये आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।